गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। चल चल निकल यार, उल्टे हाथ की एक पड़ी। चल। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अंडे लेने बाहर फिर से, और आप लोगों को पता है हम वही 3 अंडे लेकर आते हैं। कितने लाएंगे? 100 रुपए के अंडे। 100 रुपए के अंडे लेकर आएंगे भैया। मैं नहीं मानता। अच्छा भाई, अम्मी ने ये मुझे काम दिया है कि ये फैला दो पहले, तो हम पहले फैला देंगे सारे कपड़े अलगनी पे, उसके बाद फिर जाएंगे अंडे लेने। तो गाइस अम्मी ने मुझे कपड़े फैलाने से मना कर दिया, अम्मी खुद फैला रही हैं। सही, तो अब हम जा रहे हैं दुकान फिर अंडे लेकर आते हैं। गाड़ी पे कवर में आके डाल देता हूँ। हाय 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 हाय, ये मौसम बड़ा सुहाना है, धूप कम और बस पता नहीं क्या है। खत्म। आ गया मैं। नहीं निकला गाड़ी में। क्या क्या नहीं निकला? सो गाइस अम्मी ने पहले ही कपड़े डाल दिए यहाँ पे, सारा फैला दिए, तो हम अंदर आ गए अंडे लेके। आपके अंडे डबल रोटी मंगाई थी। डबल रोटी मंगाई थी अम्मी ने, मैं भूल गया डबल। असल में पता है क्या मिक्स हो गया, आपने कहा गाड़ी पे कवर डाल दो हैं, कपड़े फैला दो, तो वो मैं थोड़ा सा ना मैं जहन से निकल गया मेरे। अब क्या करें, रोटी बनाओ लेकर आ जाऊं? नहीं। अच्छा वॉक हो जाएगी मेरी। अरे ले आता हूँ। अरे नहीं मैं बना। अरे बस मैं ले आता हूँ। अरे मैं ले आता हूँ। अरे मैं बना। अरे बस मैं जा रहा हूँ, बस जला गया अम्मी। अम्मी जा रहा हूँ। डबल रोटी लेने जाओ बाहर। सो गाइस डबल रोटी लेने हम भूल गए थे, हम डबल रोटी लेने आ गए भैया। भाई डबल रोटी दे दो यार, मीडियम साइज की कुछ। ये मीडियम साइज की है? अच्छा कितने की है ये? 110। ओ भाई 110। रिटर्न दो मुझे। ये क्या था? ये तो सुलेन सेठी की फिल्मों का म्यूजिक है। आपकी डबल रोटी। चाय गिरा दी भाई। ये पतीली खराब हो गई, स्लिप कर जाती है। अरे आपने हाथ मार के गिराई है चाय। पागल हो गए हो आपने? दिमाग खराब नहीं है, मैंने देखा है। स्लिप हो रही थी। अब मैं क्या पीऊंगा, मैं नाश्ता कैसे करूंगा? चाय गिरा दी सारी। ये मैंने देखा था इनको गौर से, इन्होंने यूं करके और यूं करके यूं करा, चाय गिराई है। वाला वो किया है। हाँ। तो मैं अपने मोबाइल को स्टार्ट करता नहीं हूँ, फौरन बुखार चढ़ जाता मेरे मोबाइल को। तुम लोग मुझे चाय नहीं पीने दोगे? ये देखो इतनी सी बची है। फिर गिरेगी वो। और ना आज तय करके रखा हुआ है कि मुझे चाय नहीं पीने देंगे। गिरा दी सारी चाय। सारी चाय तो जमीन को पिला दी, हद हो गई। देखो ये होते जानबूझ के, एक दफा चलो मान लिया गलती हुई, दूसरी दफा जो करी तो वो भाई मैं सासी को बता रहा हूँ गेम चल रहा है मेरे साथ।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस फाइनली मुझे मेरा नाश्ता मिल चुका है और मम्मी को फंदा लग गया है। पानी दो। खांसी आ रही है। खांसी आ रही थी, आपने रोक ली, वो फंदे में तब्दील हो गई। मैं जो ये निवाला बना रहा हूँ, ये किसका है, ये किसके नाम का है, ये हमारी छोटी खाला के नाम का है, सही है। ये देखें, ये चाय में डुबोया, सही। खाला आ करें जल्दी से, Six and a half hours later. Guys, हमने किया है एक नया चैलेंज। नए चैलेंज में अम्मी और मैंने क्या करना है मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। अम्मी नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या चैलेंज करने वाले हैं। A few moments later. So guys, अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली है और मैं अभी आपको बताता हूँ चैलेंज क्या है। वो चैलेंज है कुरकुरे का चैलेंज। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस कुरकुरे का चैलेंज है जो कि मैंने लेकिन लेवल रखा है इसका, क्या है कि इसमें तीन कुरकुरे हैं। तीन कुरकुरे में से एक कुरकुरे अम्मी के पास जाएंगे, दो कुरकुरे मेरे पास आएंगे और फिर हम देखते हैं सबसे पहले कौन खाता है। ये रहा नहीं जाता। तो गाइस सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है कि सारे कुरकुरों को खोल के हमने प्लेट में निकाल लेना है। दो कुरकुरे मेरे हैं और एक कुरकुरे अम्मी का है। देखें अम्मी निकाल रही हैं, सही है। अब हम मेरे भी निकाल दें। कितने खा लोगे तू? हाँ ओह नो। तो गाइस हम इसके साथ चिली गार्लिक सॉस भी रख रहे हैं और ताकि थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाए। तो फिर शुरू करते हैं। मैं दूसरी
पानी पी सकते हैं? मैं हरा दूंगा आपको। क्या नालीन और हालीन दो बाकी हैं? मेरे दो कुरकुरे भी तो दे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। पानी पी लिया आपने? जीत गई हैं। बहुत स्पाइसी था यार, और इसने तो और जान डाल दी। ओ माय गॉड, आंखों में पानी आ गया। बहुत स्पाइसी थे और नमक भी बहुत था। बाकी तो नहीं है, इल्जाम तो नहीं लगा रहे तुम पे, तुम्हें चीटिंग तो नहीं की? नहीं भाई। अच्छा मैं ही समझ रहा आसानी से हरा दूंगा, इनको तो पसंद ही नहीं है, चिप्स खाना खा चुकी हैं। कल भी तुमने मुझको हराया था, कैरम में भी हराया था, मैंने कहा आज तो मैं जीत के रहूंगी। क्या वाह, खाओ पूरा। सो गाइस, आप लोगों को हमारा चैलेंज कैसा लगा? अम्मी और मेरा चैलेंज था कुरकुरे का, और मैंने आज बड़ा सोच कर रखा था, मैंने कहा यार अम्मी को तो इजीली हरा दूंगा, क्योंकि अम्मी ये चिप्स वगैरह स्नैक्स वगैरह नहीं खाती हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं। तो मैंने बोला मैं काम करता हूँ, अपने ऊपर लगा दाग मैं मिटा देता हूँ। कौन सा दाग? वो जो मैंने नूडल्स अम्मी से हारा था, लेकिन अम्मी ने मुझे दूसरा गेम भी हरा दिया। अब मैंने बोला यार अम्मी है, मैंने एक भी दे दूंगा, तो मैंने बोला नहीं। अच्छा पहले मैंने क्या सोचा, बराबर बराबर रखूंगा, लेकिन मैंने बोला नहीं यार बराबर बराबर मज़ा नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ उनको एक देता हूँ, क्योंकि वो एक भी नहीं खा पाएंगी हैं, और मैं दो ले लेता हूँ, मैं अपना आराम आराम से खा लूँगा पूरा। लेकिन इन्होंने शॉक कर दिया इन्होंने मुझे, और इन्होंने गेम जीत लिया। भाई क्या करें, गेम तो इनका जीत गया। सही है,
तो यार अगर आप लोगों को प्लीज़ यार मेरी वीडियोस पसंद आया करें, प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, है सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार आप लोग भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें, हमें खुश हमें लाइक करके खुश कर दिया करें, हम आपको अच्छे अच्छे चैलेंज देके खुश कर दिया करेंगे, सही है। और रोज़ आना व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, कंटेंट नहीं मिलते क्या बनाए, इसलिए मैंने नेचुरल जो मैं अपनी रेगुलर रूटीन में करता हूँ ना घर में, मैं वही करता हूँ, सही, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते। जब जाहिर सी बात है एक चैनल है मेरा जिसमें मैं चैलेंजेस रखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ती है यार आज कौन सा चैलेंज रखना है, आज क्या वीडियो बनानी, तो ये स्क्रिप्टेड नहीं होती है, सही है। स्क्रिप्टेड तो वो होती है ना जो मैं अपने डायलॉग लिख के रख लूँ कि मैंने यही डायलॉग बोलना है। मैं जब कैमरा उठाता हूँ मुझे नहीं पता होता मैंने क्या बोलना है, बस मैं बोल देता हूँ, तो बाद में मेरे अल्फाज भी घबराया था मैं क्या बोल गया क्या नहीं बोला। तो खैर आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोग आपका प्यार, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।